आज हम ग्रीन मटर का ब्रेकफास्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने ले ली एक कढ़ाई, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल। उसके अंदर डालेंगे मेथी दाना और जीरा। इसको आपस में चटकने देंगे। जब ये चटक जाए तो हमने हरी मटर धो के रखी थी उसको डाल देंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है और इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह इसको ढाकेंगे, थोड़ी देर बाद फिर फ्राई करेंगे। इस तरह 2-3 बार करना है। उसके बाद हमने ले लिए उबले हुए आलू। इन आलू को हमने क्यूब्स में काटा था, उसको भी इसमें डाल के ऐसे फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे, एक एक दो दो मिनट रुक के हमें इसे बार बार इसी तरह से भूनना है और फ्राई करना है। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब उसके बाद हमें लेना है एक मिक्सी जार। उसके अंदर डालने हैं थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। और जो कढ़ाई के अंदर आलू मटर हमने फ्राई करके रखे हुए हैं उसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। और आपस में मिक्स करके इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है, एक एक मिनट के अंतर पे। और इसको इसी तरह चलाते हुए पूरा भूज लेना है। और ये भूंज के बहुत अच्छे से बन जाएगा इस तरह से। इसको थोड़ी थोड़ी देर पे इसी तरह चलाते रहना है। और देखिए, हमारा हरी मटर का ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।